हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल चौरसिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज मैंने बैंक निफ्टी ट्रेड करके ऑलमोस्ट 9,000 रुपए के प्रॉफिट्स कमाए। देखिए, मेरा इंटेंशन आपको अपना पीएनएल दिखाना नहीं है, बल्कि उसके पीछे का लॉजिक समझाना है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ फ्यूचर में आते रहेंगे। देखिए, मैं मोस्टली प्राइस एक्शन का यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे बाकी सारी चीज़ें बकवास लगती हैं। हाँ, कभी कभी 50 EMA वगैरह, 50 EMA या फिर 200 EMA यूज़ कर लेते हैं, बट मोस्टली प्राइस एक्शन मेरा रहता है, ठीक है। आज सुबह से मार्केट जो है बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा था, ठीक है, सुबह से ऊपर जा रहा था। मेरा इंटेंशन आज बाई करने का था ही नहीं, मेरा मन ही नहीं था बाई करने का। अब आप इससे बायसनेस कह लीजिए, आप इससे मन कह लीजिए, नहीं था मन आज बाई करने का, ठीक है। बट क्योंकि मेरा मन बाई करने का नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज़बरदस्ती बैठ के मार्केट को सेल करता रहा हूँ हर एक राइस पे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा नूब लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा नूब ट्रेडर्स करते हैं, ठीक है। मोस्टली मेरा ट्रेडिंग का जो टाइम रहता है वो लाइक 11 बजे 12 बजे के बाद ही मोस्टली प्रेफर करते हैं ट्रेडिंग करना। मॉर्निंग में भी कुछ ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। खैर, फिलहाल आते हैं कुछ प्राइस एक्शन के बारे में, आपको कुछ चीज़ें पहले बता देते हैं। ये देखिए, कित आप झूठ में 50 तरह के इंडिकेटर्स, PSY लेवल्स, भगवान जाने क्या क्या यूज़ करने के चक्कर में लगे होंगे। कितना अच्छा यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ठीक है। आप इस पोल एंड फ्लैग पैटर्न को ट्रेड कीजिए, कितना अच्छा आपको प्रॉफिट मिला, ठीक है। कितना अच्छा एक W पैटर्न बन रहा है, आप उसको ट्रेड कीजिए। आप अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, आप सिर्फ प्राइस एक्शन यूज़ करके ट्रेडिंग तो कीजिए, आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे क्यों नहीं। खैर, मेरे ट्रेड का कॉन्सेप्ट पहले ये था, पहले तो एक मिनट में मॉर्निंग में जब भागना शुरू कर रहा था तो मैंने कुछ ट्रेड्स लिए थे, बहुत छोटे छोटे ट्रेड्स थे, हाँ, बट उसमें क्योंकि लॉसेस होने लगे मैंने बहुत जल्दी एग्जिट कर दिया और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। मेरा जो फाइनल ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, हाँ, अगर आप देख पा रहे होंगे तो उसका लॉजिक था ये 15 मिनट पे W पैटर्न। ये देखिए, ये गया ऊपर, ये नीचे आया, ये हाई को क्रॉस नहीं कर पाया और ये W पैटर्न, M पैटर्न, W पैटर्न, ये सब बहुत ज़्यादा रिवर्सल्स के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, ठीक है। मैं आपको अपना आज PNL दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा ही PNL है, रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए विशाल चौरसिया, ठीक है। खैर, अगर आप मेरा PNL देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, मेरा प्रॉफिट जो है वो मोस्टली हुआ है 41,200 की पुट में, ठीक है। अब मैंने 41,200 की पुट ही क्यों ली, मैंने इतनी दूर की पुट क्यों ली जब मार्केट जो है इतने ऊपर चल रहा था, मतलब मार्केट ऑलमोस्ट चल रहा था 41,600 पे, मैंने 41,200 की पुट क्यों ली, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अमेरिका में फेड की मीटिंग होने वाली थी आज, मुझे लगा कि मार्केट सेकेंड हाफ में थोड़ा सा फॉल मुझे दिखा सकता है, लाइक थोड़ा सा मुझे एक हैवी डाउनफॉल मिल सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली फेड रेट इंक्रीज़ करने वाला है, ये सब कुछ चीज़ें होने वाली। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट आज बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे आएगा। खैर, ज़्यादा आया नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, फिर भी मैंने लाइक जितने प्रॉफिट्स हुए मैंने लेके निकाल दिया। खैर, फिलहाल आप मेरा PNL देखिए, ठीक है। पहला मेरा जो प्रॉफिट है वो है 8,900 रुपये का, ठीक है। फिर उसके बाद से एक लॉस है 805 रुपये का, फिर एक लॉस है 150 रुपये का, एक लॉस है 777 रुपीज़ का, सॉरी ये प्रॉफिट्स है, हाँ। आप ये देखिए कि मेरे जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने बड़े हैं, मतलब 8,900 रुपये के प्रॉफिट, उसके कंपैरिजन में जो लॉस है 150 रुपये का और 700 रुपये का, सीरियसली क्या ऐसे इस तरीके से भी ट्रेडिंग की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल इस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, बस आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। आई एम ट्रेडिंग सिंस 2018, मुझे प्राइस एक्शन का उतना एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं कोई भी इंडिकेटर्स नहीं यूज़ करता हूँ, मेरे चार्ट में मेरा प्लेन सिंपल बैंक निफ्टी का और निफ्टी का चार्ट लगा रहता है 5 मिनट का और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अगर आपको इसी स्टाइल में ट्रेडिंग करनी है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही फ्यूचर में मॉडल्स आते रहेंगे। और अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा। खैर, हाँ, ये देखिए, बस मेरा एक ही मेन लॉजिक था, ठीक है, आज के सबसे बड़े ट्रेड का, फिर से बता दे रहे हैं, मार्केट ऊपर तो जा रहा था, ठीक है, लेकिन कहीं पे एक W पैटर्न नहीं फॉर्म, M पैटर्न नहीं फॉर्म कर रहा था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर फॉर्म करता, अगर यहाँ कहीं फॉर्म किया होता तो मैंने डेफिनेटली ट्रेड लिया होता, बट नहीं फॉर्म किया तो आप क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। जब फाइनली मुझे ऑलमोस्ट ये 12, 12:30, 1 बजे के करीब ये अपॉर्चुनिटी मिली, एक अच्छा खासा M पैटर्न मुझे दिखा, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, हाँ, और मेरे ख्याल से इस जगह पे जब 3:15 के अराउंड मैंने प्रॉफिट्स बुक कर लेते, क्योंकि मुझे लगा अब तो इससे ज़्यादा मार्केट जाने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।